ट्विंस बच्चा था और ट्विंस बच्चा मैडम के ही अस्पताल में जन्म लिया था, लेकिन काफी कम वजन के कारण जो है बच्चा काफी कमजोर था, जिसको बचाने का काम डॉक्टर अरविंद सर किए और मैं उनसे बात करूंगा। कहता है, एक गीत भी है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो सर, आपने ये चमत्कार करके पूरे जिला का नाम बिल्कुल गर्व से ऊंचा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे को, कैसे आप बताइए, चमत्कार सा दिख रहा है। सर, ये चैलेंजिंग टास्क था। जब मैम की तरफ से कॉल आया कि 500 ग्राम और 800 ग्राम का ट्विन बेबी डिलीवर हुआ है, ऐसे आना है, बचाना है उसको, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आया कि 500 ग्राम का बच्चा तो नॉर्मली बचता नहीं है, अपने क्लिनिक का नाम खराब होगा। लेकिन फिर भी दिल्ली में रहे हैं सर, बहुत दिन मेहनत करके कोशिश किया है कि अपने हाथ में वो हुनर हो, वो सब लेके बेगूसराय आए, सोचे कि अब ये दिखाने का मौका है। 510 ग्राम का बच्चा डिलीवर हुआ है, किसी तरह अगर इसको बचा के दें तो बेगूसराय में मेरा भी नाम हो जाएगा, जैसे बहुत सारे डॉक्टर साथ हैं। सो हमने ये चैलेंज स्वीकार किया, उस बच्चे को प्रॉपर रिसेसिटेशन के बाद NICU में भर्ती की सलाह दी। गार्जियन का ये कहना था कि सर 500 वाला बच्चा नहीं बचते, 800 वाला हो सके से बच जाए तो कोशिश करिए, लेकिन हमने उनको समझाया कि नहीं, 500 ग्राम वाले पे भी हम लोग कोशिश करेंगे और भगवान ने चाहा तो हमें सफलता मिलेगी दोनों बच्चे को बचाने में। इंटेंसिव केयर में रखे 14 दिन की हमारी भरपूर मेहनत के बाद हमारे स्टाफ ने भी सर बहुत मेहनत करी इस बच्चे को बचाने में, हमने सफलता पाई और आज रिजल्ट सामने है। 500 ग्राम वाला बच्चा और 800 ग्राम वाला, दोनों बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब किसी मशीन के सपोर्ट के बिना बच्चा अब दूध पीने में सक्षम है, एक्टिविटी ठीक है, मतलब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, आपने चर्चा किया और समाज में एक मनोभावना बन गया है कि अगर जन्म हो तो बच्चा में बेटा ही हो, लेकिन आप जैसा कि बताया कि गार्जियन बता भी रहते थे 800 ग्राम वाले बच्चा जो लड़का था उसको 800 ग्राम वाला लड़की, तो लड़का और लड़की दोनों को बचाने का काम किया, तो क्यों समाज का जो ये मनोभावना है कि नहीं लड़का मुझे चाहिए लड़की नहीं चाहिए, इसको आप क्या किस रूप से देते हैं संदेश समाज को? सर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो मेल चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका कि किसी तरह बच जाए, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की हो, हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चे को बचाया जाए, उसमें हम ये नहीं देखते हैं बच्ची है या बच्चा है। गार्जियन को भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चा बच्चा है चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे फिर समाज कैसे बढ़ेगा। बहुत जगह सफलता मिलती है, लोग मानते हैं, जैसे इस केस में ये पेरेंट्स मान के बैठे थे कि बेटी बड़ी है 800 ग्राम वाला वो बच सकता है, इसलिए उस पर कोशिश करवाना चाह रहे थे, 500 वाले पे कोशिश नहीं करवाना चाह रहे थे बस, फिर भी क्योंकि लड़का था उसके बावजूद, लेकिन मैंने उनको समझाया कि कोशिश करते हैं सर दोनों बचाने में, अगर सक्षम हुए तो आपके लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि 20 साल से आपको कोई बच्चा नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि दोनों बच्चे बचाए जाए। हमने हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की सर और 14 दिन के बाद मेहनत रंग लाया और बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, नॉर्मल बच्चे का वजन जन्म लेने वक्त कितना होना चाहिए और इसका जो है कम वजन कितना होने के बाद उनको आप लोगों से सलाह लेना चाहिए? सर, नॉर्मल बच्चा कहलाता है 2.5 किलो से ऊपर, इंडिया में 2.5 और 3 किलो के बीच का बच्चा नॉर्मली जन्म लेता है, 2.5 किलो से कम के बच्चे को लो बर्थ वेट बोलते हैं, लेकिन अगर 1.5 किलो से भी कम है तो ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हो गया, लेकिन अगर बच्चे का वजन 500 ग्राम है तो उसको तो किसी कैटेगरी में नहीं रखते सर, 500 ग्राम वाले बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल था, हमने बहुत मेहनत की है, बच्चा बचा है, इसमें ऊपर वाले का शुक्रिया, आप सब लोगों का आशीर्वाद की वजह से ही बच्चा बचा। सर, एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके गार्जियन जो है टीकाकरण का ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो क्योंकि टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, तो एक नवजात शिशु के लिए और नवजात शिशु के आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उस टीकाकरण को लिए? सर, टीका से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेगूसराय में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि 1 किलो से कम का बच्चा पैदा हो जाए नहीं बचते, सर अब मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बच्चा बचता है, 1 किलो से छोटा बच्चा भी बचता है, हमने
दसियों बीसियों बच्चे 700 ग्राम 800 ग्राम के बच्चे को बचाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो बच्चा किसी भी वजन का हो, अगर बच्चे में थोड़ी भी हरकत है उसको बचाने की कोशिश किया जाए, और बेगूसराय में हम लोग बचाने में सक्षम है। डॉक्टर पे भरोसा रखिए और इलाज के लिए जल्दी से जल्दी सामने आइए, बच्चे को बचाया जा सकता है। ये एक और एग्जाम्पल है, 500 ग्राम वाले को हमने बचाया है। बहुत उम्मीद है लोगों से कि लोग इससे समझेंगे, सीखेंगे और हम बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे बच्चा कितना भी छोटा बच्चा। सर, टीकाकरण में भी भेदभाव होता है मेल और फीमेल चाइल्ड में, हालांकि सरकार ने बहुत बहुत सारे टीकाकरण फ्री में करवाने की का काम किया है, तो आजकल टीकाकरण तो ठीक ठाक लेवल पे हो रहा है, लेकिन फिर भी गांव के लोग हैं, कई बार बिटिया है तो नहीं करवाते, बेटा है तो जरूर लेके आते हैं। सो हम सब डॉक्टर्स लोगों से निवेदन करते हैं कि बेटा और बिटिया में फर्क ना करें, टीका लगवाएं। टीका बहुत ज़रूरी है सर, टीका लगवाने का फ़ायदा आपको अभी नहीं दिखेगा, जैसे बाइक इंश्योरेंस कराते हैं। टीका और बाइक इंश्योरेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बाइक इंश्योरेंस का फ़ायदा तब तक नहीं दिखता जब तक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है तब लगता है कि आप भी नहीं रहते, इंश्योरेंस इतना पैसा लगे। उसी तरह अगर टीका लगवाते हैं तो आपका बच्चा सुरक्षित रहता है, टीका नहीं लगवाते हैं भगवान न करे वो बच्चा किसी उस बीमारी से बीमार हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, जिसकी वजह से जो टीका की वजह से बचाया जा सकता है। सो टीका बहुत जरूरी है सर, और टीका में बाइफरकेट नहीं कीजिए, ये जरूरी है ये नहीं जरूरी है, टीका सारे लगने चाहिए। सर बहुत अच्छे जानकारी दिए कि कोई भी गार्जियन भेदभाव ना करे, लड़का हो या लड़की हो, टीकाकरण हर एक समय समय पर टीकाकरण कराएं, ताकि बच्चे का जो है सही उपचार हो पाए और सही जो है इलाज हो पाए। सर लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, जो गार्जियन को ये लगता है कि कम वजन का बच्चा है, इसको अच्छे अस्पताल की जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी एक्सपायर कर जाएगा, इसको नहीं ले जाएँ, और जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सर अगर बच्चा जन्म लिया कितना भी कम वजन का हो, बचाने की कोशिश तो होनी चाहिए, चाहे वजन कितना भी कम, अगर बच्चे में हरकत है, हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कि बच्चा बचा के ही दे देंगे, लेकिन हमारा भरपूर प्रयास होता है कि किसी भी तरह कितना भी मेहनत करना पड़े, हम बच्चे के पेरेंट्स को निराश ना हो जाए, और हमारा पूरा प्रयास रहता है, और इसी प्रयास की वजह से हमें बहुत बहुत बार सफलता मिली है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब खुश हैं कि हमारा 700 ग्राम का बच्चा बच गया, हमारा 680 ग्राम का बच्चा बच गया, कोई 800 ग्राम का बच्चा बच गया, और ये 510 ग्राम का बच्चा बच गया। धन्यवाद सर, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे शिवम हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वास्तिक कुमारी को, और साथ ही साथ सिटी चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार सर को। दोनों ने अच्छा काम किया है, जिले का नाम रोशन किया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी अपने बच्चे का इलाज करवाना हो या किन्हीं को बच्चे नहीं हो, तो आप इन दोनों डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं जिले के, और आज जो वो ये कारनामा किए हैं ये काबिले तारीफ है। कहा भी गया है डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें, किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप तमाम डॉक्टरों से ज़रूर कंसल्ट करें। तब तक के लिए बने रहें इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए, केवी स्टूडियो के डॉक्टर रोशन कुमार फेस को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर स्टार्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें। कैमरा मैन शिवम के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।